अमराला के नेले पिंड उटाला के गुरद्वारा साहब च श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सरूप एक व्यक्ति वालों चुके अपने घर ले जाने की घटना उपरंत इलाके में रोस फैल गया, जिस तों बाद पुलिस ने उक्त व्यक्ति और गुरुद्वारे के ग्रंथी को गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया। इस बारे भाई सुखविंदर सिंह खालसा ने जानकारी देते हुए दसिया कि उन्होंने उटाला तो फोन आया कि मानसिक तौर पर परेशान एक व्यक्ति गुरुद्वारा साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब चुक के लै गया है और ग्रंथी की गैर हाजिरी में गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को अपने घर में लिया के रख लिया। इस घटना की सूचना मिले ही गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहब के प्रबंधकी भाई गुरदीप सिंह कंग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पिंड की संगत नाल उक्त व्यक्ति के घरों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप को वापस गुरुद्वारा साहब लिया। उन्होंने कहा कि ग्रंथी की गलती के कारण ही यह घटना वापरी है, जबकि परिवार वाले ने पहला भी ग्रंथी ने दसा कि व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान है, फिर भी ग्रंथी ने गुरुद्वारा साहब को ताला नहीं लगाया, जिस कारण यह सब कुछ वापरिया। इस मामले संबंधी पुलिस का कहना है कि इस मामले में बनती कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ एकम टीवी। दमदमी टकसाल रुपिंद भाई रुपिंदर सिंह का मैनू फोन आया सी कि साढ़े पिंड दुर्घटना वापर गई कि कोई बंदा दिमागी पागल है कि वह गुरु ग्रंथ साहब जी का सरूप कच्छ च लैके घरे चले गया। बाद चो कंग मैनेजर साहब आए तो उन्होंने सतगुरां नूं सत्कार दे सहत तो भाई खड़क सिंह दे परिवार ने गुरु साहब का सरूप दिलाया। गुरु साहब का सरूप बिल्कुल ठीक ठाक है। तो दूसरी बेनती जो मैं पता लग्या तो उत्थे उगताई वर्ती ग्रंथी ने तो दास दा ए सी जदों परिवार ने पहला दसिया कि साडा बंदा इत्थे गलत है भाई, ये दिमागी परेशान है, ये दिमागी पागल है कि गुरु घर नूं जिंदा ला के रखना चाहिए। कई बारी ग्रंथी नूं समझाया भी सी, ग्रंथी दाढ़ी रंगदा सी, उल्टा उन्हें कई बारी झड़प पाने की भी कोशिश करी, बहुत गहरी ग्रंथी को समझाया, पर ग्रंथी की वजह करके ये काम होया। अज प्रशासन ने ग्रंथी पर भी परचा किया, उस बंदे पर भी परचा किया जो दोषी सी, जिहड़े दोषी पाया गया ग्रंथी उते परचा कर दिता। तो बाद विच असी बहुत धन्नवादी हैं एस एस पी हरप्रीत सिंह जी दे, डी एस पी समराले दे, ते जिन्होंने बिल्कुल सिख होने का सबूत दे दिता, प्रशासन का असी बहुत बहुत धन्नवादी हैं। टाला के जिमें जानते कि महाराज का सरूप जिहड़ा हैगा ना, एक बंदा जिहड़ा हैगा गुरुद्वारा साहब तों लैके ते वो अपने घर लै गया, ते पूरी रह मर्यादा दे नाल ही लै गया, जिस ते उहदे खिलाफ जिहड़ी हैगी बनदी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ते कौन है जी बंदा? ਇਹ ਪਿੰਡ ਟਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਟ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।